ओके सो हाई एवरीबडी. सो दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड सेशंस, क्योंकि ये एक इकलौती ऐसी चीज़ थी जो रह गई थी. फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी वार्म वेलकम टू माई चैनल खुशी वासन. आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग गुड. ये एक इकलौती चीज़ थी जो रह गई थी, विट वॉज इंडो रशिया, जो आपका न्यू सेंटर्स ऑफ पावर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो इंडो रशिया में मैंने जो भी नोट्स आपको दिए हैं वो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियोस को गो थ्रू नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए. लास्ट मोमेंट में प्लस बॉक्सेस करना मत भूलिएगा. पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स मैंने आप लोगों को इस वीडियो में दी हैं, प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग वो देख रहे हैं. हमने 4 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो सॉल्व करे हैं, सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू गाइज आर वॉचिंग दैट इज़ वेल. एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर हेयर इन फ्रंट ऑफ यू. नैक्सलाइट मूवमेंट, जापान एंड साउथ कोरिया, ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो आप लोगों के सामने हैं. और साथ ही साथ जो है मैप प्रैक्टिस एंड एवरीथिंग आप लोगों को मेरे चैनल पे मिल जाएगा रिलेटेड टू पॉलिटिकल साइंस. वन शॉट्स अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो जाइए और फटाफट से देख लीजिए. सो चलते हैं, शुरू करते हैं. और लास्ट टाइम पे प्लीज़ ना अपना मैप्स और प्लस बॉक्सेस पे ज़रूर ध्यान देना. और जो मैंने कार्टून डिपिक्शन ग्रुप में भेजा है ना, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, प्लीज़ गो थ्रू द कार्टून डिपिक्शन. ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. चलिए तो शुरू करते हैं. आज हम लोग जो है इंडिया एंड रशिया करने वाले हैं. देखो, मैंने ना बहुत लंबा चौड़ा तुम्हारे लिए कुछ भी तैयार नहीं करा, ठीक है. इट इज़ समथिंग जो तुम फटाफट कर भी पाओ एंड चीज़ें जो है वो सॉल्व हो भी जाएं जल्दी से. सो वंस वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया एंड रशिया, अगर हम इंडिया और रशिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दोनों कंट्रीज़, देखो आपको याद होगा हमने एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में इंडिया रशिया के रिलेशंस पढ़े थे, उसमें से भी मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स डाले हैं, बट कुछ कुछ पॉइंट्स नए भी हैं इसके अंदर. सो वी गोना टॉक अबाउट ऑल ऑफ देम. सबसे पहले हम शुरू करेंगे शुरुआत में. आप सब लोगों को पता है कि रशिया का जो प्रीडिसेसर था वो USSR था. सो बोथ द कंट्रीज हैव एक्सट्रीमली बीन क्लोज्ड. USSR और इंडिया बहुत ज़्यादा क्लोज था, सब लोगों को पता है. 1947 जब से इंडिया आज़ाद हुआ है तब से काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, और उससे पहले से भी काफ़ी ज़्यादा क्लोज था इंडिया और USSR. डिस्पाइट इंडिया बींग, अब इंडिया जो है आप सब लोगों को पता है कि इंडिया ना ही NAM का मेंबर बना, ना ही वॉर्सो का मेंबर बना. इट डिसाइडेड टू हैव इट्स ओन NAM. सो डिस्पाइट ऑफ हैविंग बींग अ मेंबर और अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ NAM, नॉन अलाइन मूवमेंट, इंडिया का जो रिलेशन है USSR के साथ वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज है सिंस इट्स इंडिपेंडेंस. इंडिया ने 5-year प्लान फॉलो किया था, ये तो सब लोगों को पता है. 5-year प्लान्स हम लोगों ने अभी हटाए हैं 2015-2014 के अंदर. एंड जो है वो जो 5-year प्लान है वो हम लोगों ने कहाँ से बोरो किया था, वो हमने USSR से बोरो किया था, विच वॉज द प्रीडिसेसर ऑफ रशिया. इन द सेकेंड 5-year प्लान ऑफ इंडिया, 8 आउट ऑफ द 16 हैवी इंडस्ट्रीज वर सेट अप इन असिस्टेंस ऑफ USSR. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब हम सेकंड 5-year प्लान, याद है तुमको हमने प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में किया था सेकंड 5-year प्लान, दैट वाज इनिशिएटेड बाय पीसी महालनोबिस. तो जो सेकंड 5-year प्लान था उसके अंदर हमने 16 मैसिव इंडस्ट्रीज सेटअप करी थी, जिसमें से 8 इंडस्ट्रीज USSR के रिगरस गाइडेंस में हुई थी. एंड 1971 की ट्रीटी को हम कैसे भूल सकते हैं, 1971 की इंडो सोवियत ट्रीटी, जो पीस पे हमने साइन करी थी, फ्रेंडशिप एंड पीस पे. जब आपको याद होगा कि इंडो पाक वॉर होने वाला था फॉर बांग्लादेश क्राइसिस, तो वो ट्रीटी वॉज ऑल्सो एक सबसे बड़ा स्टेप. 20 साल के लिए वो ट्रीटी साइन करी गई थी, अनदर स्टेप फॉर एस्टैब्लिशिंग इट्स रिलेशन विद USSR. अब ये तो हो गया USSR का, अब आ जाते हैं रशिया पे. तो अगर हम रशिया और इंडिया के बारे में बात करें, तो पॉइंट मैंने आप लोगों का जो है, आई हैव टेकन दिस पॉइंट फ्रॉम योर दिस थिंग एंड ऑफ बाइपोलैरिटी वाले चैप्टर में, कि इंडिया एंड रशिया शेयर अ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर. मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, ये तो आप लोगों को याद ही होगा कि मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर हम लोगों ने पढ़ा था. तो दोनों जो है मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर शेयर करते हैं, विजन शेयर करते हैं कि भैया देश के अंदर, वर्ल्ड के अंदर ना ही यूनिपोलैरिटी होनी चाहिए ना ही बाइपोलैरिटी होनी चाहिए, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर होना चाहिए. एंड मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब क्या है, कि को एग्जिस्टेंस ऑफ सेवरल पावर्स, जहाँ पे सिर्फ एक USA सुपर पावर ना हो, या USA और USSR दोनों टू पावर्स ना हो, देर इज एग्जिस्टेंस ऑफ सेवरल पावर, ताकि एक पावर की हेजमनी ना बने. कलेक्टिव सिक्योरिटी इन विच एन अटैक on the countries regarded as attack on all the countries. मान लीजिए कि अगर एक कंट्री पे टेररिस्ट अटैक होता है तो पूरा वर्ल्ड उस पर्टिकुलर टेररिस्ट का मिलके सामना करेगा, rather than just one country. ओके, एंड रिक्वायर्स कलेक्टिव रिस्पॉन्स. रीजनल, ग्रेटर रीजनलिज्म, नेगोशिएटेड सेटलमेंट्स और इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी फॉर ऑल द कंट्रीज, ये सब कुछ इंडिया और रशिया दोनों चाहते हैं. एंड डिसीजन मेकिंग थ्रू बॉडीज जैसे यूनाइटेड नेशंस को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना चाहिए, डेमोक्रेटाइज करना चाहिए और एम्पावर करना चाहिए. ऑलराइट, नाउ आप सब लोगों को पता है कि इंडिया और रशिया बहुत ही सिग्निफिकेंट डिफेंस रिलेशनशिप आपस में शेयर करते हैं. सो लेट्स डिस्कस ऑन देयर डिफेंस रिलेशनशिप.
India is the second largest arms market for Russia. This is everybody is aware about this thing. Russia के लिए India इसलिए ज़रूरी है क्योंकि India उससे बहुत सारे weapons जो है वो लेता है. Indian military gets most of its hardware from Russia. This is also important. And since India एक oil importing nation है, मतलब India के अंदर oil जो है वो बाहर से import करता है, तो Russia बहुत important है India के लिए. ड्यूरिंग ऑयल क्राइसिस, ऑयल क्राइसिस जब जब हमारे देश में आए हैं, रशिया हैज़ कम टू आर असिस्टेंस. सो रशिया इज इम्पॉर्टेंट टू इंडिया एंड हैज़ रिपीटेडली कम टू असिस्टेंस ड्यूरिंग द इंडियाज ऑयल क्राइसिस. मूविंग फॉरवर्ड 2000 के अंदर, 2000 के अंदर, क्योंकि तुमको पता है ना 1991 से लेके 2000 तक रशिया सिर्फ अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने में लगा हुआ था. क्यों? क्योंकि इट फेस्ड शॉक थेरेपी. बट 2000 के अंदर जब पुतिन पावर में आते हैं, देन ही विजिटेड इंडिया, वो इंडिया को विजिट करते हैं एंड वो जो है इंडिया के साथ डिक्लेरेशन ऑन इंडिया रशिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप साइन करते हैं. द बायलैटरल टाइज वर पुट ऑन सॉलिड फाउंडेशन अगेन. और फिर से दोबारा से हमारे जो टाइज कमज़ोर हो गए थे 1991 में, वो दोबारा से शुरू हो जाते हैं. वो दोबारा से एक सॉलिड फाउंडेशन डलती है इस अग्रीमेंट के बाद ऑफ द पोस्ट सोवियत कन्फ्यूजन एंड स्टैग्नेशन. Traditionally, India and Russia का strategic partnership has built on 5 major components. हमारा रिश्ता Russia से 5 major components में based है और हमारा रिश्ता Russia से 5 major components के ऊपर based है. सबसे पहला है तुम्हारा politics, number 2 is your defense, number 3 is civil nuclear energy, number 4 is anti-terrorism and number 5 is space. ये 5 चीज़ें हैं जिसमें हम लोग जो है आपस में कोलैबोरेट करते हैं, डिविजन साइन करते हैं, व्हाट नॉट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रीसेंट अग्रीमेंट्स. वंस वी आर टॉकिंग अबाउट द रीसेंट अग्रीमेंट्स, इंडिया रिसेंटली इंडिया ने डिफेंस डील साइन किया था विद फिलीपींस अराउंड $350 million फॉर सप्लाई. आप लोगों को याद हो ब्राह्मोस बहुत न्यूज़ में आया था, ब्राह्मोस मिसाइल सिस्टम. सो रिसेंटली इंडिया ने ये डील जो है वो साइन करी है, फिक्स करी है विद फिलीपींस अराउंड $350 million की फॉर सप्लाई ऑफ ब्राह्मोस मिसाइल सिस्टम. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डील्स. उसके बाद रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो है उन्होंने रशिया को विजिट किया है इन सेप्टेम्बर 2019 फॉर ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम जो हेल्ड किया गया था आपके व्लादिवोस्तोक में, जो एक सिटी है रशिया के अंदर, एक पर्टिकुलर जगह है रशिया के अंदर. तो प्राइम मिनिस्टर ने जो है सितंबर 2019 के अंदर ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम हेल्ड किया था जहां पे प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया था. और जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने मॉस्को विजिट किया था 2020 के अंदर टू अटेंड द मिलिट्री परेड इन रशिया. ओके, ये रीसेंट अग्रीमेंट्स एंड रीसेंट विजिट्स हैं जो यहाँ पे आपको बताए जा रहे हैं. अगर कोविड 19 की बात करें तो आप सब लोगों को पता है कि पूरा का पूरा वर्ल्ड वाज शट डाउन ड्यूरिंग कोविड 19. इंडिया रशिया रिलेशंस हैव कंटिन्यू टू बी डीपन, लेकिन फिर भी हमारे जो रिलेशंस हैं वो डीपन हुए हैं, इनहेंस किए गए हैं. कोऑपरेशन इन ऑल द एरियाज एंड बायलैटरल रिलेशनशिप्स इंक्लूडिंग पॉलिटिकल एंगेजमेंट्स, सिक्योरिटी, डिफेंस, ट्रेड एंड इकोनॉमिक इकोनॉमी, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड कल्चर जो है वो हमने प्रॉस्पर करा है. अब बहुत बच्चे मुझसे पूछ रहे थे मैम इंडिया ऑन रशिया एंड यूक्रेन क्या लिखेंगे. वैसे तो ये बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है, सो आई वुड ऑनेस्टली टेल यू पीपल कि आप 2 लाइन से ऊपर इसमें ना लिखें. इसके अंदर मेरे को जो सेफ लगा, जहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको पेपर में सो दैट द टीचर इज ऑल्सो नॉट गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू कट योर मार्क्स, इज ये वाला पॉइंट. India's response to Russia's invasion on Ukraine क्या है. इंडिया ने ये सीधा सीधा ये बात नहीं बोली कि मैं हम रशिया के एक्ट को कंडेम कर रहे हैं, इंडिया ने नहीं बोला. ना इंडिया ने यूक्रेन का फुल फ्लेज्ड साथ दिया. इंडिया ने क्या कहा, कंडेम्शन ऑफ सिविलियन किलिंग्स. इंडिया ने कहा कि हम सिविलियन किलिंग्स के खिलाफ हैं विदाउट एनी नेम कॉलिंग, और उन्होंने कोई नाम नहीं लिया यूनाइटेड नेशंस के अंदर. बस उन्होंने ये बोला कि वी कंडेम द सिविलियन किलिंग्स एंड एब्सटेंशन ऑफ यूनाइटेड एंड एब्सटेंशन फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस रूल्स. रशियन फोर्सेज हैव बीन डायरेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन टू एंश्योर दैट नो इंडियन सिटीजन. और साथ ही साथ आपको याद होगा मोदी जी हैड 2 कॉल्स फ्रॉम विद पुतिन, 2 कॉल्स जो है यूक्रेन ने जब इन्वेजन करी थी रशिया के अंदर, तो 2 कॉल्स मोदी जी की बात हुई थी पुतिन से. उसके बाद फिर पुतिन ने आप अपनी आर्मी को ये डिक्लेयर किया, ये बोला कि भैया कोई भी इंडियन सिटीजन जो यूक्रेन में है दे शुड नॉट बी हर्ट.
ओके उनको हर्ट नहीं करना इन इट्स ऑपरेशन इन इट्स ऑन गोइंग ऑपरेशन एंड दे वर ब्रॉट एंड जितना ज्यादा सेफली जिन जिन को भी लाया जा सकता था वो लेके आ चुके हैं एंड द ऑपरेशन आर स्टिल गोइंग ऑन. तो ये पॉइंट से ज्यादा आई डोंट फील लाइक यू शुड बी राइटिंग योर ओन पोलिटिकल ओपिनियंस बिकॉज दैट्स नॉट रिक्वायर्ड. ओके सो दिस इज वॉट यू कैन राइट ऑन इंडिया एंड रशिया इंडियाज टेक ऑन यूक्रेन एंड रशिया कि वी कंडेम द सिविलियन किलिंग्स. दिस वॉज समथिंग दैट वॉज ये हमने बोला था यूनाइटेड नेशंस के अंदर. This is our take without taking a name of Russia or Ukraine. So I hope it is clear with everybody. And किसी को कोई भी doubt है तो please आप मुझे comment section में जरूर बताइएगा. And जो भी है do let me know in the comment section. I really hope कि आप सबका paper बहुत अच्छा जाए. And see you all super soon. जल्दी से हम लोग मिलते हैं अगला जब भी session होगा तो we are going to meet. And I'm going to see you guys very very soon. Do not forget to like, share and subscribe to the channel. Bye bye. Thank you so much for joining. Notes I'm going to send in the on the Telegram group. Thank you so much.